गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की डेट, आज आपका वर्क मिल चुका है। ये देखिए आज की डेट है 22 अप्रैल 2020। क्लास है आपकी फर्स्ट, सब्जेक्ट है आपका हिंदी और डे है आपका वेडनेसडे। तो देखिए आज का वर्क ये आपका यहाँ से यहाँ तक है, इसको हम पॉइंट वाइज बताते हैं। फर्स्ट आपका पॉइंट है, इस कविता को लिखें व याद भी करें। यह कविता आपकी नई पुस्तक से ली गई है। तो जो आपका नया सिलेबस है, बुक सेट सेलेक्ट हुआ है, मैं बता दूं कि उससे ये कविता ली गई है। तो इसे आप अच्छे से लर्न कर लें और लर्न करने के साथ साथ इसको फिर बिना देखे अपने होमवर्क नोट वाली नोटबुक पर इसको लिखनी भी है। तो मैं रीड करके बताती हूँ। चिड़िया हिल मिल कर आ जाना, खाना हिल मिल कर बिखरा दाना, ईचक दाना बीचक दाना, दाना खाकर मत इतराना। तो ये आपकी 4 लाइन की पोयम है, इसको अच्छे से लर्न करके और आपको अपनी नोटबुक पर लिखना है। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, यू नो वेरी वेल। सेकंड टॉपिक है आपका, गाय पर 6 वाक्य लिखो। गाय, आप जानते हैं हमारा पालतू जानवर है गाय, और गाय से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। दूध, मेन दूध से बहुत सारी चीजें बनती हैं, आप सब जानते हैं। गाय, इवन गाय का गोबर भी बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है। तो उसी तरीके से हमने आपको पहले ही बता रखा है कि गाय के ऊपर जो हमें वाक्य लिखने हैं, हम 10 वाक्य पहले से सीख चुके हैं। उसी तरीके से हमें सिर्फ केवल यहाँ 6 वाक्य ही लिखने हैं, 6 वाक्य ही करने हैं। आप इनको ऑर्डरली भी कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 करके हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला है, गाय एक पालतू जानवर है, एक, तो एक आया है यहाँ। तो एक से एक क्या होती है, गाय की पूंछ, तो गाय की एक पूंछ होती है। एक अब कुछ नहीं होता, उसके बाद हम नंबर आ जाते हैं 2 पर, 2, तो इसमें क्या आएगा, 2, गाय की 2 आंख होती हैं, गाय के 2 सींग होते हैं, गाय के 2 कान होते हैं। ये 2 वाली लाइन कंप्लीट हो जाएंगी। अब ये देखिए 2 के बाद अब क्या आता है, 3, लेकिन 3 ऐसी कोई चीज नहीं है जो 3 हो। तो इसके बाद हम ले लेंगे 4, तो 4 में हम क्या कर सकते हैं, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 4 थन होते हैं। ठीक, अब क्या, गाय क्या खाती है, गाय हरी घास खाती है। अब गाय कुछ खाती है तो फिर हमें वो कुछ देती भी है, तो गाय हमें दूध देती है। इस तरीके से हम सिर्फ, हमें यहाँ पर अभी 6 वाक्य लिखने हैं, तो आपके लिए इनफ है। 6 वाक्य आप कोई भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये आज आपका होमवर्क है, इसको आपको अच्छे से राइटिंग, नीट एंड क्लीन राइटिंग में करना है। ओके, बाय। इस तरीके से हम सिर्फ, हमें यहाँ पर अभी 6 वाक्य लिखने हैं, तो आपके लिए इनफ है। 6 वाक्य आप कोई भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये आज आपका होमवर्क है, इसको आपको अच्छे से राइटिंग, नीट एंड क्लीन राइटिंग में करना है। ओके, बाय।